अच्छा, गांव में यह भी कहानियां सुनाई जाती है कि राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के लिए पधारे थे, ऐसा कहा जाता है कि जब वो वनवास के लिए गए हुए थे तो वहां पर एक दिन जब बैठे हुए थे जंगल के अंदर, तो राम जी के पास एक बहुत सुंदर लड़की आई, बहुत सुंदर लड़की थी, नाम था उसका स्वरूप नखा। स्वरूप नखा अपने टाइम की मिस श्रीलंका थी। ये तो हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स है, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए बेचारी को हमने कहना शुरू कर दिया सुरपणखा। बाकी स्वरूप नखा थी, जिसके नाखून भी सुंदर थे, और उसने आगे पहले राम जी को प्रपोज किया। उसने राम जी को कहा कि राम जी, विल यू मैरी मी? राम जी ने कहा, नहीं साहब, अपने तो सीता साथ में, लक्ष्मण अकेला है। तुम लक्ष्मण से ट्राई करके देख सकते हो, लक्ष्मण से बातचीत करके देख सकती हो। लक्ष्मण उस समय एक कुंड से पानी निकाल रहे थे, कुंड था, कुंड से पानी निकाल रहे थे। कहते स्वरूप नखा उनके पास गए, स्वरूप नखा ने उनको जाके कहा कि लक्ष्मण, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, अरे नहीं, मैं यहाँ जंगल में कोई ब्याह करने आया हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य इस समय भाई भाभी की रक्षा करना है, भाई भाभी के द्वारपाल का कार्य करना है, और मैं इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करूंगा। और मेरी पत्नी है उर्मिला, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है हमारी, और मैं नहीं करूंगा। हम जानते हैं सब कहानी की, स्वरूप नखा जिद करती है, वो लक्ष्मण के पीछे पीछे भागती है, लक्ष्मण उस पानी के कुंड के आगे आगे भागता है, वो चार चक्कर काट लेते हैं वहां पर, चार राउंड उसके चारों तरफ काट लेते हैं। चार राउंड के बाद लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लक्ष्मण जी ने नाक काट दी स्वरूप नखा, मान नहीं रही। और स्वरूप नखा ने कहा कि अरे ऐसी क्या गलती की थी, मैंने शादी के लिए प्रपोजित किया था, तुमने नाक काट दी मेरी। लक्ष्मण ने कहा, सॉरी स्वरूप नखा, पर अभी तो मैं तुमसे शादी कर नहीं पाऊंगा, पर एक दिन कलयुग आएगा, उस कलयुग में मैं बनूंगा पाबू, तुम बनोगी फूलम दे। हमने चार चक्कर इसके चारों तरफ काटे, हम बाकी तीन चक्कर वहां काटेंगे। तो गांव में जब कोई सुनाते हैं कहानी की, पाबू जी तीन फेरों के बाद उठकर आ गए थे और युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, और सुनने वाला कहानी कहता है, अरे भगवान बुरो करो, तो कहानी सुनाने वाला दार्शनिक अंदाज में कहता है कि नहीं रे भाई, रे बे माता रा आंख लिखोड़ा है कि जो लिखा हुआ भाग्य वो टलेगा नहीं। और भाग्य लिखा हुआ यह था कि लक्ष्मण ने उस दिन त्रेता युग में कहा था कि चार फेरे ले चुके हैं, बाकी तीन फेरे लेंगे। तो बाबू जी को तो कर्तव्य था जी, वो तो लक्ष्मण जी थे, इतना ही दिखाना था, उनका जीवन यही था, लीला थी उनकी, वो अपना जीवन पूरा करके यहां से चले गए, जो कार्य उनको करना था वो करके चले गए। ऐसी भी कहानी कही जाती है। बाबू जी चूंकि तीन फेरों के बाद उठकर आ गए थे, इसलिए अभी भी हम ऐसा मानते हैं अपने राजस्थान में, लगभग सब जगह राजस्थान में, लगभग पूरे उत्तर भारत के अंदर चार ही फेरे लिए जाते हैं, और हम ऐसा कहते हैं कि बाकी तीन फेरे तो बाबू जी ने ले लिए थे। अब शादियां जब होती है अपने, तो सात नहीं होते फेरे, ये सात फेरे केवल फिल्मों वालों ने सिखाए हैं, सातों फेरों के सातों वचन निभाना, सात होते ही नहीं है, सात वचन निभाएगा कैसे आदमी बापड़ा। फेरे कितने होते हैं? चार। जो जो भुगत भोगी है वो गिने अपने कि उन्होंने कितने लिए थे, तीन में लड़की आगे, एक में लड़का आगे, चार ही फेरे होते हैं। अब यदि गांव में पूछे भाई चार क्यों लो फेरा, तीन तो पाबू जी ले गया, पाबू जी तीन फेरों के बाद आ गए थे, इसलिए हम कहते हैं कि हम पाबू जी का सम्मान करते हैं, और अब उस सम्मान में हम बाकी फेरे कितने लेते हैं? चार ही फेरे लेते हैं। तो ये सात फेरे से कुछ ही नहीं होते हैं, ठीक है, चलो। हाँ।